हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अमन की रसोई में। और आज हम बनाना सीखेंगे चिकन स्ट्यू। और ये चिकन स्ट्यू उन सभी हॉस्टल के दोस्तों के लिए है जिन्हें एक इजी और अच्छी रेसिपी बनानी है। तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। पहले हम ऑयल लेंगे, 100 ml तक करीबन ऑयल ले लीजिए अपने हिसाब से। कुछ लोग कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी। ये देखिए तेल करीबन बस गर्म होने वाला है। और अब हम देख लेते हैं इसमें क्या खड़े मसाले पड़ेंगे। ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, दो तीन आपका ये छोटी इलायची हो जाएगा, थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी और थोड़ा सा जीरा। बस इतना ही हमें खड़ा मसाला चाहिए। अब हम तेल देखिए गर्म हो चुका है, अब हम डालते हैं। अब देखिए इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, 2 अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए, बहुत लोग को लाल मिर्च भी पसंद होती है, बट हरी मिर्च ही डालिए, 5 हरी मिर्च। अदरक लहसुन का ये जो पेस्ट है आपका, इसको गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास ये देखिए 2 बड़ी प्याज है हमारे पास, 2 बड़ी प्याज, इसको हम डाल देते हैं। मीडियम प्याज अगर आपके पास है तो आप 3 प्याज उसमें डालेंगे, कटी हुई प्याज, और एक खड़ा लहसुन। और अब देखिए प्याज के साथ ही आपको नमक भी डाल देना है। प्याज के साथ थोड़ा नमक डालने पे आपका इसका स्वाद जो चिकन का है वो आपको अच्छा लगेगा। इसमें हम नमक भी डाल लेते हैं, अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। यहाँ मैं 1.5 चम्मच नमक डाल दे रहा हूँ, बाकी अगर कुछ कम पड़ेगा हम उसमें ऐड कर लेंगे। इसको आंच को थोड़ा तेज कर लिए, थोड़ा ये अच्छे से फ्राई हो सके प्याज भी। देखिए तेल हमने बहुत ही मतलब हिसाब से ही लिया है, जितना हमें चाहिए। ये हमने 2 मिनट तक इसको प्याज को फ्राई होने दिया है। अब ये हमारे पास 800 ग्राम कटा हुआ चिकन है, इसको हम डालेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, प्याज को इसके साथ ही पकाना है, क्योंकि हम जो अपने चिकन में चिकन स्ट्यू हम बना रहे हैं इसमें हम पानी एकदम थोड़ा भी नहीं डालेंगे। तो जो भी प्याज का पानी है जो नमक छोड़ने के बाद आएगा उसको चिकन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप चिकन को अच्छे से चला लीजिए, सारे मसाले चिकन में सारा हर तरफ से तेल लग जाए, प्याज को भी अच्छे से चिकन में मिला लें ताकि हर पोर्शन जो है मसाले में डूबा रहे। और थोड़ा सा फ्लेम आप इस समय हाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी ज़्यादा ये नहीं करना हमारा, देखिए अभी भी इसमें हमने हल्दी नहीं डाली है और ना ही हमने डाला है मीट मसाला, क्योंकि अगर हम अभी डाल देंगे तो पकड़ सकता है, तो हमें इसको पकड़ने नहीं देना है। थोड़ा सा चिकन हो जाए इसको हमें थोड़ी देर खुला ही पकाना है, उसके बाद मसाला डाल के ढकेंगे। अभी इसको ऐसे ही थोड़ा खुले में थोड़ा तेज आंच में पकने देते हैं। ये देखिए हमने चिकन को इसी के साथ प्याज के साथ थोड़ा फ्राई कर लिया है खुले में ही। अब अच्छे से सारी चीज़ें एक साथ मिल चुकी हैं और अब ये टाइम है हमें जो हल्दी और मसाला है वो हमें डाल देना है। बहुत थोड़ा सा आपको हल्दी लेना है, हमने हल्दी डाल दिया है। अब इसमें आप डाल दीजिए मसाला, कोई भी मीट मसाला आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से।
से थोड़ा मिला लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है बस। अब आपको चिकन आपका फ्राई हो चुका है, अब ये हल्का हल्का पानी छोड़ चुका है इसलिए इसमें आप इसको बस ढक देना है और इसको हम छोड़ देंगे करीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं चिकन पूरा बन चुका हो। और देखिए करीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हम चिकन को देखते हैं कितना बना है। ये देखिए चिकन अब अच्छा खासा पानी छोड़ चुका है और देखिए जैसे आप सभी को याद होगा कि हमने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला है। ये चिकन स्ट्यू की रेसिपी है, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। जो चिकन का पानी है, प्याज का पानी जो निकलता है, उसी को यूज़ करके अपने चिकन को बनाएंगे। और ये देखिए अच्छा खासा कुक हो चुका है, अब इसको आप अच्छे से चला दीजिए ताकि सारा मसाला जो है हर तरफ पूरा लग जाए चिकन में। और इसको देखिए ज़्यादा देर तक खोलना नहीं है क्योंकि देखिए यही ग्रेवी जो है आपको वो करना है। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को अगर थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें बहुत थोड़ा सा पानी, मतलब एक कप पानी डाल सकते हैं। और कुछ लोग इसमें इस समय इस टाइम पे इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं अगर किन्हें कुछ लोगों को जो टमाटर का स्वाद पसंद होगा। हम तो इसमें आज नहीं डालेंगे क्योंकि हमने प्याज सफिशियंट डाल रखी है। अब इसको हम 5 मिनट अच्छे से आप इसको ऊपर चला दीजिए, उसको 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे बंद करके और उसके बाद ये तैयार हो जाए। और देखते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, अपने चिकन को देख लेते हैं। देखिए एकदम ग्रेवी में कंसिस्टेंसी आ चुकी है और चिकन हमारा एकदम तैयार है सर्व करने के लिए।